आज डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आज देखेंगे। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है वो इस फिगर के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोनेंट्स और उनकी वर्किंग। तो सबसे पहले ये हैं आगे फ्रंट व्हील, ये हैं फ्रंट व्हील और ये भी है फ्रंट व्हील, और ये है जो इन दोनों के बीच की शाफ्ट है। उसके बाद लगा होता है इंजन। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे, जो मेन कंपोनेंट होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के, तो इंजन। इंजन क्या काम करता है, फ्यूल से पावर लेता है और उस पावर को कन्वर्ट करता है सिलेंडर और पिस्टन के थ्रू रोटरी मोशन में, जो कि क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट, ये सिलेंडर्स हैं। मान लीजिए हमने ये कोई भी सिलेंडर इंजन ले सकते हैं आप, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, कुछ भी। तो ये क्रैंकशाफ्ट है, ये सिलेंडर है, हमने यहाँ 4 सिलेंडर इंजन लिया है। तो जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड हैं, वो जो अपनी अप डाउन मूवमेंट है, वो क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट करके देंगी। तो ये रोटरी मोशन आगे जाएगा, तो ये आगे होता है क्लच से कनेक्ट। क्लच लगा होता है, जो क्लच क्या होता है, क्लच गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है। तो जो क्लच का काम होता है, इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ एंगेज करना और डिसंगेज करना, ये क्लच का काम होता है। तो क्लच के बाद जब हम एंगेज करते हैं, पावर जाती है गियर बॉक्स के पास, ये है गियर बॉक्स। तो ये कोई भी गियर बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जो स्लाइडिंग मैश था, कॉन्स्टेंट मैश था, तो जो भी आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स जब यहाँ से एंगेज होता है, तो यहाँ से गियर चेंजिंग होती है, जो कि मैनुअल हम चेंज कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी जो गियर बॉक्सेस हैं वो यूज़ होते हैं आजकल। तो यहाँ से गियर जो शिफ्ट होता है, यहाँ से होता है। तो गियर बॉक्स जो स्पीड हमें रिक्वायर्ड है या जो टॉर्क रिक्वायर्ड है, उसको हम आगे देते हैं। तो आगे इसको पहुँचाने के लिए, रियर व्हील तक पहुँचाने के लिए बीच में लगी होती है प्रोपेलर शाफ्ट। ये है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, एक तरह की शाफ्ट होती है जो अच्छी मजबूत होती है, ताकि यहाँ की जो ट्रांसमिशन है, यहाँ की रोटेशन है, उसको वो आगे रियर व्हील के डिफरेंशियल तक पहुँचा सके। ये डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का काम क्या होता है, डिफरेंशियल का काम होता है कि जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है, तो इन दोनों की व्हील की स्पीड को मेंटेन करना। मींस डिफरेंशियल मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करना, ताकि जो गाड़ी है स्किड ना करे जब हम टर्न लेते हैं। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स के थ्रू डिफरेंशियल से कनेक्ट होती है, और ये कनेक्शन के लिए यूज़ करती है यू जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट्स यहाँ पर लगे होते हैं, यू जॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ किया जाता है, एक भी यूज़ कर सकते हैं अगर शाफ्ट को सीधा रखना है, लेकिन मेनली ज़्यादातर यू जॉइंट दो यूज़ होते हैं अगर हम इंक्लाइन में शाफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो क्या करती है, प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ के गियर बॉक्स की मोशन को आगे डिफरेंशियल तक ट्रांसफ़र करती है, और डिफरेंशियल के साथ कनेक्ट होते हैं इस शाफ्ट के थ्रू, जो कि ये ड्राइव शाफ्ट होती है, इसके थ्रू हमारी कनेक्ट होते हैं ये रियर टायर। रियर टायर हम इनको बोल सकते हैं, रियर टायर कनेक्ट होते हैं, रियर टायर। तो फ्रंट से अगर ये रियर ड्राइव व्हीकल है, तो यहाँ से इस तरह से मोशन ट्रांसफ़र होता है। तो इंजन, इंजन से क्लच, क्लच एंगेज करेगा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स जो भी हमें गियर स्पीड चाहिए या टॉर्क चाहिए, वो प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू देगा डिफरेंशियल को, और डिफरेंशियल आगे प्रोवाइड करेगा जो रियर टायर हैं, रियर व्हील हैं उनको। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम अरेंज होता है। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगभग की जाती है। तो ये था कंपोनेंट्स और थोड़ी जो ओवरव्यू था, वर्किंग थी ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।